इन्हीं बातों में ऐसा उलझा जिया में आर्यन का किरदार शाहिद कपूर ने निभाया है। इस फिल्म में शाहिद को देख ऐसा लगता है कि वह कबीर सिंह वाले जोन से बाहर आ गए हैं। उन्होंने अपने अभिनय में थोड़ा नयापन लाया है, जिसे देखना सुखद लगता है। शाहिद अपनी एक्टिंग के साथ डांसिंग में भी माहिर है, वह भी इस फिल्म में देखने को मिला है। एक्टिंग के साथ साथ शाहिद ने डांस से अपना जलवा पूरा दिखाया है। सिफरा यानी रोबोट के किरदार में कृतिका काम भी अच्छा है। उनकी खूबसूरती और हाइट को फिल्म में बखूबी इस्तेमाल भी किया है। रोबोट वाले पार्ट में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग दिखाई है। उनके द्वारा किया गया काम जबरदस्ती नहीं लगता है, जो फिल्म को और मजबूती देती है। डांस के मामले में भी कृति ने अच्छा काम किया है। मौसी उर्मिला के रोल में डिंपल कपाड़िया भी अच्छी हैं। उन्हें नए अंदाज में देखना अच्छा लगता है। दादा के रोल में धर्मेंद्र का होना फिल्म को और सुखद बना देता है। पिता के रोल में राकेश बेदी ने बढ़िया काम किया है। माँ के रोल को अनुभा फतेहपुरिया ने निभाया, जो एकदम सधा हुआ है। वह अपने किरदार से फिल्म में एक अलग पहचान बनाती है। राजेश कुमार ने मामा के रोल में अपनी कॉमिक टाइमिंग का अच्छा उपयोग किया है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिस हिसाब से फिल्म का नाम है वही देखना को भी मिलता है। फिल्म का टाइटल थोड़ा लंबा भी है। मैडॉक की पिछली दो फिल्मों से यह सिलसिला जारी है। खैर, फिल्म में रोबोट और आने वाले भविष्य में उसकी उपयोगिता दिखाई गई है। साथ ही उसका एक ह्यूमन ट्रायल भी है, जो देखा जाना चाहिए। खैर, बिना स्पॉइलर वाला रिव्यू यहीं तक। बाकी आप इस फिल्म को देखें और अपनी खुद की राय बनाएं।